और वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब हमें पता है कि यार यूनिट वेक्टर जो है ना, वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंक्लूड करता है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से बनता है। अगर वेक्टर तभी होता है ना जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो। तो अगर हम यहाँ से यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहें तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, यही वाला, ठीक है। तो हमने लगा दिया, मैग्नीट्यूड को हम नीचे ले आए और वेक्टर हमने इधर कर दिया, मतलब वेक्टर इधर आ गया, मैग्नीट्यूड को नीचे करके आर क्यूब हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से भी निकाली जा सकती है, ठीक है। अब ये जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर है। अब डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करते हैं। अब मान लो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और हमने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा जो कि पॉजिटिव ही होता है, आपको पता है। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कौन सी है, रिपल्सिव है, और इसकी डायरेक्शन होगी इधर। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो ये होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इक्वल है फोर्स के। अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन है यहाँ इस तरफ, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी। तो इसी तरह हम सब में मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आउटवर्ड होगी, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, मतलब जो टेस्ट चार्ज है उसकी यहाँ होगी और ये अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इनवर्ड, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड, और हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनवर्ड। पार्ट टू इसलिए किया क्योंकि यार स्टोरेज ही ख़त्म हो गई थी और मतलब एकदम वीडियो बंद हो गई, तो फिर मैंने इस वजह से पार्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ ही रही होगी क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यार कमेंट करो, बताओ क्या गलती है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। होप यू गाइज लाइक इट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी कर दो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, बाय।